सबसे बड़ी खबर। एमएनएस न्यूज चैनल की ओर से महाराष्ट्र की राजनीति पर युवा मतदाताओं को जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जो पहली बार मतदान करने वाले युवा वर्ग हैं, इस अभियान के तहत उनमें जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद है साकोली शहर के पंचायत समिति के ये प्रांगण में मौजूद है। मेरे साथ कुछ युवा नेता वर्ग भी जुड़ा हुआ है और हम अभी हमारा जो चैनल का मतदाता अभियान जो चल रहा है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने यह प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो इस प्रोग्राम के संदर्भ पे हम इन लोगों से भी कुछ चर्चा करेंगे कि उन्होंने युवा मतदाताओं को क्या, उनको किस तरीके से मतदान करना है या क्या सोच समझ कर क्या करना है, इस संदर्भ पे मैं कुछ लोगों से भी चर्चा करूँगा। क्या नाम बताया आपका? दिलीप मासूरकर, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और महासचिव हूँ। अच्छा दिलीप जी, मुझे बताइए कि अभी जो नए युवा वर्ग का जो मतदाता है, जिनका अभी मतदान यादी में जो वो लोग आए हैं, जिनका नाम आया है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में मत जाइए, किसी भी प्रकार के जातिवाद में मत जाइए और अपना पहला वोट सच्चाई के साथ जो देश में जो क्रांति ला सकता है, विकास का जो पर्व ला सकता है, ऐसे ही उम्मीदवार को आप मतदान कीजिए। अभी हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, बताइए क्या नाम है? राजेश नंदागवली, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस। राजेश जी बताइए, अपने विधानसभा जो महाराष्ट्र की विधानसभा के अभी चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव में पहली दफ़ा चुनाव यादी में जिन बच्चों के नाम आए हैं, जिन्होंने अभी उनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसमें जिन युवाओं का जो 18 साल पूरे हो चुके हैं, उनका मतदान यादि में आ चुका है। 18 साल के ऊपर की युवा वर्ग जो है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप युवा हो, खुद का भविष्य खुद को तय करना है और ये महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा के लिए है, जो तुम्हारा प्रतिनिधि बनके जो भी विधानसभा का होगा, उस विधानसभा का प्रतिनिधि बनके महाराष्ट्र विधानसभा में आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न के लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उस महाराष्ट्र विधानसभा में जाएगा, आपके विधानसभा का आवाज़ बुलंद करने के लिए और जिसको बोलते सर्वसमावेशक ऐसे विकास के लिए आप लोग उसको मतदान करने वाले हो, तो मतदान करते समय युवाओं ने ध्यान में रखना चाहिए, खुद का भी भविष्य देखना चाहिए कि हम जिसको मतदान कर रहे हैं वो उम्मीदवार कैसा है, वो उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, उस उम्मीदवार की उम्मीद कितनी है, वो उम्मीदवार कहाँ तक दौड़ सकता है, उस उम्मीदवार का वर्क क्या है, उसका सामाजिक दायित्व क्या है और उसने कौन से कार्य किया है कि जो लोगों को वो पसंद आ सके, ऐसा उम्मीदवार का चयन हमारे युवाओं ने करना चाहिए, ना कि प्रलोभन में जाना चाहिए। कोई प्रलोभन देगा उसके पीछे पीछे हमारे युवा चले जाते हैं, क्योंकि वो युवा है, युवाओं को जैसे तुम हवा दोगे उस हवा के हिसाब से, उस हवा के झोंके के तरफ उस युवाओं का ध्यान जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे युवा वर्ग के हमारे साथी हैं, उन्हें खुद का विचार करना चाहिए और अच्छे इंसान को, अच्छे उम्मीदवार को अपने विधानसभा में से चुना कर उस महाराष्ट्र विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में युवाओं के हितों की वो रक्षा कर सके। कि जैसे युवा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, उनको नौकरी मिलना चाहिए, MPSC UPSC या स्पर्धात्मक परीक्षाओं में वो कंपटीशन में टॉप करना चाहिए, उनको ऐसा प्रशिक्षण वर्ग देने वाला उम्मीदवार उनके पास होना चाहिए। हमारे वैसे ही हमारे जो किसान भाई है, उन किसान भाइयों ने भी ऐसा अच्छा विचार करके, सोच समझ के अपने उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, जो किसानों के, सर्वसामान्य लोगों के हितों की रक्षा कर सके और अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसी मेरी मतदाता
तो अभी हमने जैसा यहाँ भी देखा कि युवा वर्ग जो मतदान करने वाला है उसे हमारे साथ में जो लोग जुड़े थे उन्होंने कहा है कि मतदान सोच समझ कर करें, और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को यह अभियान के माध्यम से जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं कि मतदान करें, मतदान आपका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का आप उपयोग करें और अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल जो भी आपके जो उम्मीदवार है उसे आप अपने ही मतदान के ताकत से आप उसे सामने लेके आए। जैसा कि मेरे साथ और लोग जुड़े हैं और जो हमारे इस अभियान के माध्यम से युवा वर्ग को मतदान करने के लिए जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं उनसे मैं अभी और चर्चा करूँगा। क्या नाम है आपका? अश्विन नशीन है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष साकुली। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी जो जिनका मतदान यादी में जैसा अभी नए से नाम आया हुआ है और वो लोग अभी पहली दफ़ा वोट करने वाले हैं, ऐसे मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पहली दफ़ा जो मतदान कर रहे हैं, जो नया वर्ग का है, युवा है, उसको एक तो मतदान करने में बहुत इंटरेस्ट आना है, दूसरा उसकी बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज वो पढ़ा लिखा होकर भी बेरोजगार है, उसकी समस्या है, उसके बाद उसको भविष्य ठहराना है कि सरकार किसके बैठालनी है, और वो युवा वर्ग पे बहुत सारा भविष्य रहेगा कि सरकार बदलने की उनमें क्षमता भी है। अगर वो एक तरफा होकर चाकर होकर अगर वो सरकार की कमजोरियां नीति उनके नज़र में आती है और वो सही तरीके से अगर युवा वोट करते हैं तो यहाँ की सरकार बदल सकती है और अच्छा वो अपना जिसके उनका भविष्य अच्छा हो ऐसी सरकार को ला सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद कुमार गेडाम है। गेडाम जी, बताइए युवा वर्ग जो पहली दफ़ा मतदान करने वाला है उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में कि यू गेट द गवर्नमेंट दैट यू डिज़र्व। जैसी आपकी लायकी है आप वैसी गवर्नमेंट चुनते हैं। तो मैं युवा वर्ग से ये कहना चाहूँगा, जात पात धर्म के इस बंधन से ऊपर उठकर सोचे कि सही में इस समाज का, इस देश का कौन भला कर सकता है और इस देश को कौन आगे लेके जा सकता है, समाज को कौन आगे ले सकता है, डेवलपमेंट कौन कर सकता है, विकास कौन कर सकता है, ऐसे ही उम्मीदवार को आप चुने ताकि आपको अच्छी गवर्नमेंट मिले, आपको अच्छा उम्मीदवार मिले और आप अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास करें, ऐसा मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश जनार्दन मेसराम सुकड़ी। मुझे एक बात बताइए, अभी जो फर्स्ट पहली दफ़ा जो बच्चे जो है जिनका इस चुनाव लिस्ट की जो यादी होती है जिसमें मतदान की यादी में उनका नाम आया हुआ है, ऐसे युवा वर्ग को आप पहली दफ़ा जो वोट कर रहा है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, लेकिन मराठी बोलूँ तो चलेंगे ना? हाँ, बोलिए मराठी। हाँ, मी त्यांना असा संदेश देतो आहे की तुम्ही वोटिंग करा। वोटिंग करायला बाबासाहेबांनी जे काही वोटिंगाचा मतदानाचा अधिकार दिला आहे, वोटिंग करा, पण अशा माणसाला करा की जे कोणी आपला भला करतील, मंदिर बनवून हे बनवून ते बनवून घंटी हलवून काही बेरोजगार माणसांचं काही पोट भरणार नाही। समजलं काय काय बोलतो मी? पोट भरणार नाही, काहीतरी रोजगार द्या त्यांना की जे 10 माणसं 20 माणसं ज्याची जे काम करून सैन्य आपलं स्वतःचा पोट भरू शकतील, या युवाओं को बताना चाहते? हाँ, जैसा कि अभी हमारे इन्होंने बताया हमें कि जो युवा वर्ग का जो उम्मीदवार है उसने मतदान विकास यानी जो मंदिर होते हैं या मकबरे या जो भी सड़कें वगैरह इन चीज़ों पर ना देखते हुए उनके भविष्य में रोजगार के क्या साधन मुहैया करा सकते हैं, ऐसे जो उम्मीदवार है उन्हीं को ही मतदान करें और अपना मतदान का अधिकार वो जो उन्होंने बाबा साहब ने उन्हें दिया हुआ है उस अधिकार का उपयोग करके एक अच्छा भविष्य वो अपना चुने। मेरे साथ और एक जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी चर्चा करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमोल हलमारे है और मैं सर्वांगीण शिक्षण संस्था का अध्यक्ष हूँ साकुली से। आपके अभी जो विधानसभा क्षेत्र में जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं यानी जो युवा मतदान है करने वाला है जिनका अभी लिस्ट में नाम आया है वो पहली दफ़ा वोटिंग बूथ में जाकर वोट करने वाले हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं जो भी अभी नव मतदाता आएंगे उनको तो मैं बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि उनका नाम आज वो मतदार हो गए आने देश एक निर्माण के कार्य में उनका अभी सहकार्य रहेगा, सहभाग रहेगा। पर आज जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि नव मतदार है वो मतदान करने के लिए उतने उत्साही नहीं दिखते, तो मेरा एक कहना है कि और बहुत बार हम जैसे देखते हैं कि उनका एक कहना रहता है कि मेरे एक मत से क्या होगा, तो मेरा उनको सबसे पहले तो ये कहना है कि कोई भी घड़ा भरने के लिए एक एक बूंद की जरूरत है, उसी तरह एक देश निर्माण के लिए और लोकशाही लोकतंत्र में अगर एक देश का निर्माण करना है तो उसके लिए एक एक मत बहुत
आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपनी मत की कीमत पहले पहचानना चाहिए और अपने उस जो मत की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उसको यूं ही न देखते हुए अपने सत्संग बुद्धि से जो है, जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है या जो जिसकी क्वालिटी है कि जो आपके लिए आपका भविष्य निश्चित करने के लिए अच्छा, अगर आपका भविष्य जो निश्चित कर सकता है, वैसे ही एक उम्मीदवार आप चुन के अपने सत्संग बुद्धि से, ना किसी के बहकावे में आके, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना पात देख के, एकाध विकसित और विकसन विकस यानी अपने जो अपना विकास कर सकता है या अपना भविष्य एक विकास के ओर ले जा सकता है या अपना भविष्य निश्चित कर सकता है, ऐसे एक उम्मीदवार चुन के उन्हें ही मतदान करें। ऐसा ये मेरी आज यानी जो नए मतदार है, युवा मतदार है, उनको ये मेरी तरफ से एक आह्वान है। धन्यवाद। लगभग जैसा कि युवा वर्गों ने अपने विवेक और बुद्धि का सहारा लेकर मतदान करना चाहिए, ऐसा ही इन्होंने कहा है, और लगभग हर युवा वर्ग मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। विधानसभा चुनाव को लेकर हम कुछ ऐसे जागरूक मतदाताओं से अभी चर्चा करेंगे कि उनको क्या लगता है अपने क्षेत्र के विधायक ने जो उनको विधानसभा में चुनाव के दौरान चुन के देते हैं और उन्हें विधान भवन के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, समस्याओं के बारे में विधान भवन को अवगत कराने का जो काम उनके तरफ दिया जाता है, तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कैसे होने चाहिए, इस संदर्भ में हम अभी चर्चा करेंगे। दहीवाली जी, सबसे पहले बताइए आप हमें कि आपके क्षेत्र का जो विधायक होता है, अभी जो विधायक थे इस जगह के, वो तो मंत्री रहने के बावजूद भी निष्क्रिय है, ऐसे लोगों की राय आई है हमारे चैनल पर, हमारी राय नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो नए जो विधायक हो तो उनके लिए कैसे, विधानसभा के जो उम्मीदवार है उनका कैसे चयन करना चाहिए? एकदम मतदाताओं ने तो सब बहुत ही अच्छे विधायक को, जो विधानसभा के लिए जागरूक हो, सजग हो और 24/7 सर्विस लोगों को देने के लिए तत्पर हो, ऐसा विधायक चुनना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि विगत 10 वर्षों से जो यहाँ के विधायक और मंत्री जी रहे हैं, राजकुमार बडोले जी, इनका अगर आप कार्यकाल देखोगे तो इतने निष्क्रिय नहीं, मैं तो इनको बोलूँगा कि महानिष्क्रिय एक विधायक इस क्षेत्र को मिला, ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। और जिस पार्टी ने उनको विधायक के लिए वो टिकट हर बार दे रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और कि मतलब जो जनता पे ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में क्यों थोपा जा रहा है और केवल संगठन के नाम पर उनको चुना जा रहा है, तो उसमें एक यहाँ के जनता का बहुत भारी नुकसान, भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को कहती है, वो नुकसान कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार जो आने वाले विधानसभा में भी है, आप देखोगे कि जिस टाइप से अभी पता नहीं कि किन किन को टिकटें मिलने वाली है, अगर फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी राजकुमार बडोले जी को यहाँ से रिपीट करेगी, तो निश्चित ही इस बार यहाँ की जनता ऐसे निष्क्रिय विधायक को फिर से दोबारा विधान भवन में भेजने की कोई मतलब जाति नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और विधानसभा में जाने के लिए वो ऐसा नेता चाहिए जो केवल ठेकेदारों के हित में न सोचते हुए सर्वसामान्य जनता के बारे में के हित में सोचने वाला अगर उम्मीदवार अगर कोई भी पार्टी देती है, जैसे कि हम सब लोग, आप लोग सब लोगों को मालूम है, यहाँ पर यह अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र है, इस अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र का नाम अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये अर्जुनी मोरगांव तहसील का एक भी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने अभी तक के यहाँ के विधायक के लिए कैंडिडेट करके अभी तक के सामने लाया नहीं, जबकि पूरा विधानसभा क्षेत्र में 55% जो मतदाता है वो अकेले अर्जुनी मोरगांव विधानसभा का है। तो ये भी बात सभी लोगों तक के पहुँचने बहुत ज़रूरी है कि क्यों पार्टियाँ अर्जुनी मोरगांव के लीडरशिप को आगे बढ़ाने से रोक रही है, क्या उन्हें ये धोखा लगता है कि इतने बड़े क्षेत्र का अगर एक आधा लीडर बन जाएगा या लीडरशिप सामने आ जाएगी, तो शायद हो सकता है कि जिले के या उसके ऊपर के कोई पार्टी नेतृत्व को उसका थोड़ा सा झटका पहुँच सकता है। लेकिन ऐसी सोचने की बात नहीं, जो अच्छे कैंडिडेट है कोई भी पार्टी रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, NCP रहे, उन लोगों ने, और मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर युवाओं में से जो 40 से 50 के एज में जो लोग हैं, जो अच्छे हैं और जो पब्लिक सर्विस में भी काम कर रहे हैं, ओनली ये नहीं है कि मतलब पहले सरकारी नौकरियां करो और बाद में रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर भी आके पूरे लूट खसोट करने के लिए फिर जनता को गुमराह करो, ऐसे विधायक की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और आप जो ये निशांत भाई, आपने जो ये मुहिम जो यहाँ पर खड़ी की है जागरूक मतदाताओं के लिए, तो मैं आपके चैनल की यहाँ पे
तहे दिल से आपकी सराहना करता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आप इसी तरह से मतदाता में ऐसी जागरूकता फैलाएं। अच्छा मुझे बताइए, आप भी अभी युवा वर्ग में ही आते हैं, तो आप यहाँ के जो स्थानीय जो मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के युवा जो अभी मत देने वाले हैं, जिन्होंने अभी जिनके मतदान यादि में आए हैं, ऐसे जो युवा वर्ग के जो मतदाता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना पहला वोट वो मतलब किसी भी कारण से जान मतलब जांच पड़ताल करके जो उनको लगता है कि वो उनके हित में काम कर सके, केवल ये नहीं कि उनमें उनके घर में अगर भारतीय जनता पार्टी है या और कोई पार्टी का झंडा उनके घर पे लगा है तो केवल वो झंडा देख के मतलब उन्होंने मतदान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या मैं जिस विधायक को चुनने जा रहा हूँ वो क्या मेरे भविष्य का फैसला अच्छी तरह से कर पाएगा या मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। ये सब सोच के उन लोगों ने कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार रहे उसको उन्होंने मतदान करना चाहिए। जैसा कि अभी युवाओं को किस तरीके से मतदान पर विचार करना है इस बारे में दहिवली जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, और ऐसे ही हमारा जो चैनल का जो प्रयास है कि विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हम युवा वर्ग से जो चर्चा कर रहे हैं और युवाओं में जो मतदान के प्रति या मतदाताओं के प्रति जो जागरूकता जो ला रहे हैं, यह हमारा जो एक छोटा सराहनीय जो काम है, इस काम को हम ऐसे ही निरंतर आपके साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।